हाईवे में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस कहानी की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है नमक। यह शीर्षक सुनने में जितना साधारण लगता है, वास्तव में यह कहानी उतनी ही असाधारण है। और इस कहानी की लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। दरअसल इस कहानी में सन 1947 के हिंदुस्तान विभाजन का दर्द छिपा है। आज़ादी के नाम पर हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ, उसका दर्द आज भी कहीं न कहीं हमारे दिलों को टीसता जरूर है। आज़ादी के पहले जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे आज पड़ोसी देश हैं, वे कभी हिंदुस्तान के दिल के टुकड़े हुआ करते थे, पर न जाने हमारी आज़ादी को किसकी बुरी नज़र लग गई। इस नमक कहानी पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं आपको वह मानचित्र दिखाना चाहूँगा जो भारत विभाजन के पहले का है। इसके बाद मैं आपको इसकी लेखिका का सामान्य सा परिचय दूंगा और फिर हम लोग इस कहानी पे चर्चा करेंगे। यहाँ जो मानचित्र आप देख रहे हैं वह आज़ादी के पहले यानी 1947 के पहले का है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में शामिल हैं। खैर, इस कहानी की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले रजिया सज्जाद जहीर के बारे में जानें जिन्होंने दिल को छू लेने वाली इतनी सुंदर कहानी लिखी है। रजिया सज्जाद जहीर उर्दू की कहानी लेखिका हैं। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। रजिया ने प्राइमरी शिक्षा से लेकर बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। इसके बाद इनका विवाह सज्जाद जहीर से हुआ जो साम्यवादी विचारधारा के थे। विवाह के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए किया। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। रजिया सज्जाद जहीर के उर्दू कहानी संग्रह का नाम है जर्द गुलाब। मेहमान रहमत या जहमत, जर्द गुलाब तथा सुल्तान सलाहुद्दीन बादशाह इनकी प्रमुख कहानियां हैं। रजिया सज्जाद जहीर को बहुत सारे सम्मान एवं पुरस्कार मिले, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, मुसन्नाफीन अवार्ड आदि। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक यथार्थ तथा हिंदू मुस्लिम सद्भाव का चित्रण मिलता है। इनकी भाषा सहज सरल तथा मुहावरेदार है। अब हम कहानी की चर्चा करेंगे। नमक रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन लोगों की भावनाओं को टटोला गया है जो भारत विभाजन के बाद विस्थापित होकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ बसे हैं। कहानी की शुरुआत एक सिख कीर्तन से शुरू होती है, जहां सफिया एक सिख बीबी से मिलती है। सफिया मुसलमान है और उसका कीर्तन में शामिल होना इस बात को दिखाता है कि हम भले ही सरहदों में बट गए हों, लेकिन हमारे सामाजिक संबंध आज भी वैसे ही हैं जैसी आज़ादी के पहले थी। सिख बीबी में सफिया को अपनी माँ नज़र आती है, क्योंकि उसकी माँ की शक्ल सूरत तथा पहनावा भी बिल्कुल सिख बीबी की तरह हुआ करता था। बातचीत के दौरान सिख बीबी सफिया को यह बताती है कि विभाजन से पहले उनका वतन लाहौर था और आज भी दिल में उसकी याद बसी हुई है। सफिया सिख बीबी को बताती है कि वह अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है। अगर वे चाहे तो पाकिस्तान से अपने लिए कोई सौगात मंगवा सकती हैं। सिख बीबी सफिया से सौगात के तौर पर लाहौरी नमक लाने को कहती है। 15 दिन लाहौर में कैसे बीत गए यह सफिया को पता ही न चला। वापस लौटते समय जब वह अपने साथ लाहौरी नमक ले जाने की बात अपने बड़े भाई जो एक पुलिस अफसर थे को बताती है, तो यह कहकर वे मना कर देते हैं कि पाकिस्तान से लाहौरी नमक हिंदुस्तान ले जाना
कानूनन जुर्म है। अगर वह चाहे तो अपने साथ किनों की टोकरी में नीचे छुपाकर थोड़ा सा नमक ले जा सकती है। बड़े भाई के यह कहने पर कि लाहौर से लाहौरी नमक को हिंदुस्तान ले जाना यह एक कानूनन जुर्म है, थोड़ी देर के लिए सफ़िया यह सोच लेती है कि वह ऐसा ही करेगी, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वह तय कर लेती है कि नमक छिपाकर नहीं बल्कि बताकर ले जाएगी। हिंदुस्तान लौटते समय लाहौर में कस्टम अधिकारी से वह नमक छिपाती नहीं बल्कि उसे बता देती है। वह कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इतना ही नहीं, वह जामा मस्जिद की सीढ़ियों को भी अपना सलाम भेजता है। इसी प्रकार भारत आने पर अमृतसर में उसका सामना सुनील दास गुप्त नामक कस्टम ऑफिसर से होता है। लाहौरी नमक की बात बताए जाने पर वह भी नमक ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। वे अपनी मातृभूमि ढाका के डाब तथा नजरुल इस्लाम तथा रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं को याद करके भावुक हो जाते हैं। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब सुनील दास गुप्त पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, मानो वे अपने किसी बहुत करीबी को विदा दे रहे हों। और सफिया पुल से उतरते हुए यह सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, क्योंकि शरीर से भले ही वे कहीं और हों लेकिन उनका दिल तो वहीं लगा हुआ था जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, जो उनकी मातृभूमि थी। और कहानी का अंत यहीं हो जाता है। अब हम इस बात पर विचार करें कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, लेखिका ने इस कहानी की रचना आखिर क्यों की है। लेखिका की इस कहानी का उद्देश्य यही दिखाना है कि भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश आज सरहदों से बट गए हैं, लेकिन हमारे दिल सरहदों में नहीं बटे हैं। अगर हम हुक्मरानों की बात छोड़ दें, दहशतगर्दियों की बात छोड़ दें, तो हमारे दिलों में आज भी प्रेम और भाईचारे की भावनाएं जिंदा हैं। विभाजन का जितना दर्द हमारे दिलों में है उतना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश वासियों के दिलों में भी है, यही दिखाना लेखिका का उद्देश्य है। जहाँ तक इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता की बात है, नमक शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त और सार्थक है, क्योंकि इसी नमक पर पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। बस आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।